फैली हुई थी सोशल मीडिया पर कि निकाह औरत ने किया, ठीक है, और उसने हक महर में फजर की नमाज लिखवा ली। तो क्या फजर की नमाज अदा, यानी कि अगर फजर की नमाज लिखवाई जाए तो हक महर अदा हो जाता है? तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हक महर की जगह पर फजर की नमाज लिखवा लेना या जोहर की नमाज लिखवा लेना या कोई और ऐसी शर्त लगा देना, तो क्या इस बात की इजाजत है या नहीं है। तो आइए चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया की वीडियो का आगाज करते हैं। अगर आप पहली दफा हमारे YouTube चैनल पर हमें देख रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर आगे शेयर जरूर कीजिए। देखिए, बाहर जो हक महर होता है ये औरत के ऊपर, मर्द के ऊपर लाजिम है वो औरत को दे वो, और हक महर के लिए जरूरी है, यानी कि वो चीज जिसकी कीमत वाला माल होना शर उर्फ में जरूरी है, मुसलम हो, यानी कि जो हक महर दिया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, वो कीमत होनी चाहिए, कीमत वाला माल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो माल तो है नहीं है। अब देखे ना, जो नमाज है ये माल थोड़ी है, ये अब वो कहे ना कहे फजर की नमाज पढ़ना उस पर फर्ज है, वो कहे ना कहे ईशा की नमाज पढ़ना फर्ज है, वो कहे ना कहे जोहर की नमाज पढ़ना फर्ज है। अब इसके कहने से हक महर माफ नहीं होगा उसको, ठीक है। हाँ, वादा ले ले कि भाई मैं आपसे सूरत में निकाह करूंगी, आपको फजर की नमाज अदा करनी पड़ेगी, वो अलग बात है, वादा हो गया है। लेकिन आप हक महर देगा फजर की नमाज लिखवाना, ये ठीक नहीं है, इससे आपको हक महर अदा नहीं होगा। अगर आपने करते वक्त ये हक महर लिखवाया है, निकाह तो हो जाएगा, लेकिन अब देखा जाएगा कि जिस औरत से आपने निकाह किया है उस औरतों को हक महर में क्या मिला है, ठीक है। अब जो उस औरतों को दिया गया है उसके मुताबिक आप अपनी ओ बीवी को हक महर दोगे आप, ठीक है। तो ये कह रहा कि फजर की नमाज एक कुरान पाक का पारा, ये हाँ अगर आपको इतना तरस आ रहा है आप उसे लिखवा ले कर ले, कम से कम जो हक महर है वो 10 दिरहम है, कम से कम आप ले ले, बाद में उसको माफ कर, यानी कि उसको दे दे आप, या फिर लिखवा ले हक महर इतना है भाई बाद में उसको माफ करे, वो अलग बात है। लेकिन इसकी जगह पर हक महर जगह पर फजर की नमाज लिखवा रही है कर रही है, शरण इस बात की इजाजत नहीं है। तो दुआ याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।